आज 99 रुपए में फिर से लूट मच गई है। तो ये देखिए हमारी अनलिमिटेड थाली की पहली आइटम आ चुकी है। यहाँ पे आ गई थी शाही पनीर, ले लीजिए। सेकंड आइटम हमारी आ गई है मिक्स वेज, और पहले आई थी शाही पनीर, अब आ गई। ले लीजिए हमारी दाल मखनी आ गई है जी। प्लेट में कलर देखो एकदम कितने, देखो जरा, ये मिक्स वेज है और पनीर देखो, मतलब जैसा कि मैंने देखा, बल्कि महंगे महंगे बफे में हमें कहीं पर पनीर देखने को नहीं मिलता, और आजकल मैं सस्ते सस्ते बफे ढूंढ रहा हूँ तो उसमें पनीर देखने को मिल रहा है। पनीर ऐसे ऐसे जगह दर्शन दे रहे हैं ना, ये देखो जरा, अरे वाह जी वाह। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली फूड शौकीन में। तो अनलिमिटेड फूड की तलाश एक बार फिर हमें लेके आ गई है द्वारका मोड़, और द्वारका मोड़ आए और अनलिमिटेड फूड की बात हो तो एक जगह आपको पिछली बार हमने दिखाई थी 249 में अनलिमिटेड नॉन वेज दिखाया था। तो वेज वालों ने डिमांड की जी, हमें वेज में भी चाहिए, तो आज वेज लेके आ गए हैं। तो पहले जगह बता दो कहाँ है आपको, एक बार फिर ले आए हैं फूड जंक्शन, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था अनलिमिटेड नॉन वेज। तो लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से जब आप नीचे उतरते हैं तो साथ में ही आपको दिखेगा ग्रोवर स्वीट्स। ग्रोवर स्वीट्स से आप अंदर की तरफ आएंगे, सीधा सीधा रोड आ रहा है जहाँ पे आपको फूड जंक्शन दिखने वाला है। तो आज की जो डील होने वाली है वो होने वाली है 99 में अनलिमिटेड वेज थाली। क्या तीन तीन आइटम होने वाली है, जिसमें शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, और साथ में राइस होंगे, रोटियाँ होंगी, बटर नान होंगे, क्या क्या होगा वो अंदर पहले मेकिंग दिखाते हैं, फिर टेस्ट करके बताएंगे टेस्ट कैसा होगा। तो फटाफट से आ जाओ। तो लीजिए अब हमारी मेकिंग हो गई है स्टार्ट, और यहाँ पे हमारे पहले बनाया जा रही है शाही पनीर। अभी तक हमने यहाँ पे अनलिमिटेड नॉनवेज कवर कर दिया, आज 99 रुपए में फिर से लूट मच गई है। तो भैया इस बार दोबारा लूट मच गई है, तो आज एक बार दोबारा से लूट के जाएंगे आपको। हाँ सर, कोई बात नहीं, तो और पिछली बार मैंने सिखा दिया था आपको। अरे मौज कर दी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो जरा, आज हम बनवा रहे हैं, पिछली बार खाया था इस समय बटर चिकन, और आज खा रहे हैं जी शाही पनीर। ये देखो जरा, ये भैया ऑलमोस्ट मतलब तेजी से तैयार करते हो सारा माल। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। देखिए ऑलमोस्ट शाही पनीर हो गया तैयार, ऊपर से अब इसमें क्या क्या डालने वाले हो, पनीर रह गया सिर्फ, पनीर रह गया, अमूल क्रीम रह गया। अच्छा क्रीम रह गया, ये तो आपका बैठे, ये आपने हर आइटम में डालना ही डालना है। ये देखो जरा, तो ये देखिए अब हमारी जो है ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई है तैयार, अब इसमें जाने वाला है जी पनीर। तो ये लीजिए, ये आ गया जी इसमें पनीर, और ये आज तो मच गया जी लूट। भैया ये जितनी बार मर्जी लो ना आपसे, थकोगे तो नहीं पिछली बार की तरह, पिछली बार थका दिया था नहीं, और थका इस बार, चलो इस बार मतलब आजकल आपके मुंह से बुलवा दूंगा कि थक गए। तो ये देखिए अब ऊपर से आ गई जी क्रीम, ये देखो, ये देखिए हमारी अनलिमिटेड थाली की पहली आइटम आ चुकी है। यहाँ पे आ गई जी शाही पनीर, नेक्स्ट आइटम आ गई जी मिक्स वेज बनाया जा रहा है इसमें। ये पहले डाल दिया जी मसाला, इस मसाले में वैसे भी क्या क्या डाला होता आपने? अच्छा टमाटर अनियन वगैरह पहले मिक्स करके रखते हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, बहुत बढ़िया, जीरे का भी तड़का, अरे वाह जी वाह, अरे भाई साहब। तो ये लीजिए हल्की सी डाल दी इसमें टमाटर की ग्रेवी, मतलब मिक्स वेज में भी टमाटर की ग्रेवी डालते हो? अच्छा मतलब ये ग्रेवी तो नहीं होगी ना, ग्रेवी वाली आइटम तो नहीं, सूखी है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये देखो जी काजू का पेस्ट आ गया, अरे भाई साहब ये मतलब ऊपर फ्रेश बनाते हो हाथों हाथ? हां जी सर, ये हैंड टू हैंड बना रहे हैं। अरे वाह जी वाह, मतलब जितनी बार लोग आएंगे उतनी बार आप फ्रेश बना के दोगे, बहुत बढ़िया। मतलब सारा दिन आपको थक जाते होंगे तो हाथ चला चला के, बहुत बढ़िया। मतलब 99 में आज मच गई लूट। ये देखो ये आइटम आपको 99 में बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, आइटम चेक करो जरा, मिक्स वेज में पनीर भर भर के डाला है भाई साहब। यहाँ के ओनर से जानना इस समय जरूरी है कि मतलब 99 में इतनी लूट कैसे, और आइटम देखो जरा बहुत ही लाजवाब, शाही पनीर में पनीर आया, मिक्स वेज में पनीर देखो भर भर के डाला हुआ, क्या बात है जी, जरा आइटम चेक करो। तो भैया ऐसे तो नहीं ना ये कैमरे के लिए डाला आपने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही देते हो ना हर बार, कोई भी आएगा ऐसे ही मिलना चाहिए। देखिए ऊपर से आ गया जी अमूल क्रीम, बहुत बढ़िया। तो हमारी सेकंड आइटम हो गई तैयार, अब इसे भी लगवाते हैं जी प्लेट में। तो ये लीजिए सेकंड आइटम हमारी आ गई मिक्स वेज, और पहले आया जी शाही पनीर, अब आ गया जी मिक्स वेज। तो अगली आइटम लगवाते हैं दाल मखनी। तो ये लीजिए अब हमारी नेक्स्ट आइटम आ गई जी दाल मखनी, एकदम कलर देखो इतना लाजवाब लग रहा है इसका। अभी तक दो आइटमें हो चुकी हैं भैया, मतलब 99 में ही है ना? हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं ना हमारे खाने का जरा वैसा ले लोगे? ये देखिए जी ऊपर से आ गई मिर्च, नमक, और साथ में ये क्या गरम मसाला, अच्छा किचन किंग। तो ये देखिए अब हमारी दाल भी हो गई है तैयार, अब इसे फटाफट से प्लेट में लगवाते हैं। तो ये लीजिए ऊपर से आ गया जी अमूल की क्रीम, अरे भाई साहब मुझे लग रहा है भैया आप एक बार में पेट भरने के लिए तैयार बैठ रहे हो, पिछली बार मैंने लूट तो लिया, इस बार मुझे लग रहा भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। हमारी दाल मखनी आ गई जी प्लेट में, कलर देखो एकदम कितना जबरदस्त लग रहा है। तो अब टेस्टिंग, अब टेस्ट करके बनाएंगे, ये तीनों आइटम बन गई है, अब ये देखते हैं टेस्ट में कैसा होने वाली है। तो लीजिए टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, 99 की डील, और वो भी अनलिमिटेड वाली डील हमारे सामने आ चुकी है। पहले आइटम दिखाते हैं हमें क्या क्या मिला 99 में। तो पहले फटाफट से थोड़ा पास आ जाओ, आइटम चेक करो जरा, ये है जी हमारा शाही पनीर, ये थोड़ा सा ज्यादा शाही लग रहा है, पनीर देखो जरा, मतलब ये अगर आप आओगे द्वारका मोड़ और फूड जंक्शन में आओगे तो यहाँ मुझे लगता है किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नॉनवेज खाने आए थे, नॉनवेज में 249 में
तीन तीन नॉन वेज आइटम आज तक कहीं नहीं मिली होंगी, यहाँ पे हमें मिली। और अब 99 में वेज की बारी आई है, तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। तो थोड़ा सा इधर आ जाओ जरा नेक्स्ट आइटम की तरफ, ये देखो जरा, ये मिक्स वेज है और पनीर देखो, मतलब जैसा कि मैंने देखा, बल्कि महंगे महंगे बफे में हमें कहीं पर पनीर देखने को नहीं मिलता, और आजकल मैं सस्ते सस्ते बफे ढूंढ रहा हूँ तो उसमें पनीर देखने को मिल रहा है। पनीर ऐसे ऐसी जगह दर्शन दे रहे हैं ना। तो अब अगली आइटम देखो जरा, ये मक्खन तैर रहा है पूरा, ये हमारी फेवरेट दाल मखनी के ऊपर, ये देखो जरा, अरे वाह जी वाह। आइटम चेक करो, जब अनलिमिटेड की बारी हो और ऐसी आइटम मिल जाए ना, मतलब ये हमारे लिए हो जाती है सोने पे सुहागा। रोटियां, ये नान है जो थोड़े से हो गए हैं ठंडे, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सी वेटिंग चलती है भैया, आप लोगों को दिखाना है तो थोड़ा सा ठंडा खाना पड़ता है। बट अब थोड़ा सा पहले आइटम मैं टेस्ट करता हूँ, मतलब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी आंखों ने तो मतलब दर्शन कर लिए, मुंह में पानी आ रहा है, अब थोड़ा सा जुबान को भी दिखाते हैं कि जुबान को ये पसंद आता नहीं आता। तो पहले शुरू करते हैं जी, मक्खन से लबालब भरी दाल मखनी। आइटम चेक करो जरा, क्या बात है जी, क्या बात है, चेक करने के लिए जरा ये देखो जरा, अब इसे देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। जैसे कि दाल मखनी है मेरी फेवरेट, और दाल मखनी में मेरे को थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा हाई लेवल की हो तभी मज़ा आता है, नॉर्मल तो सब जगह मिलती है लेकिन कुछ मज़ेदार होना चाहिए, ये वही मज़ा है। क्योंकि मक्खन इसमें ज़्यादा भर भर के, जैसे कि आपने ऊपर देखा, और रंगत देखो जरा, ये देखो जरा आइटम चेक करो, क्रीम भर भर के डाली है, मक्खन भर भर के डाला है। और नेक्स्ट बाइट लेते हैं जी, ये आप देख रहे हो कि नान हो गए ठंडे ठंडे, बट जब आप यहाँ हो गए आपको मिलेंगे एकदम गर्मा गर्म। और नेक्स्ट आइटम देखो जरा, मिक्स वेज पनीर देखो जरा, मिक्स वेज में पनीर और वो भी भर भर के। तो ये देखो जरा, आप इसकी बाइट देते हैं और आपको बताते हैं। दाल मखनी से ज़्यादा मज़ा आ गया मिक्स वेज में, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने स्वाद होंगे मिक्स वेज, बहुत लाजवाब है। टेस्ट की बात करूँ, ये जेन्युइनली बहुत अच्छा मज़ेदार लगा है। इसकी एक खास बात बताऊँ, आपको सब जगह मिलेगा मिक्स वेज, जो तैयार होता है उसे गर्म करके तड़का मार के देते हैं, लेकिन ये जब आपकी आंखों के सामने ताज़ा ताज़ा बनेगा ना, मतलब ये होता है सोने में सुहागा, इसे कहते हैं, बहुत लाजवाब किस्म के आइटम है मिक्स वेज। तो यहाँ पे आ तो थाली में, ये तो मुझे लगता है ये रिपीट करोगे ही करोगे, बाकी आइटम करो ना करो ये तो रिपीट होने वाली आइटम है, ऐसा स्वाद है इसका। तो अगली आइटम शाही पनीर, और ये पनीर देखने में भी काफ़ी शाही लग रहा है। अब देखो जी जरा क्या बात है जी, इधर से देखो जरा क्या बात है जी, अब एक बाइट लेते हैं इसकी शाही पनीर की। अगर मैं शाही पनीर की ग्रेवी की बात करूं, इसमें है जी हल्की सी मिठास, मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे है तगड़े। और अगर 99 में लूट की बात करें तो भाई सच में लूट मचा दिया है। पीछे अब एक बार थोड़ा सा कहूँगा, भैया की तरफ कैमरा कर दो, भैया को पहचान लो, ये भैया को पकड़ लेना, मतलब इन्होंने नॉनवेज में लूट मचा दिया है, वेज में भी लूट मचा दिया, और वो भी 99 में लूट मचा दिया है। तो अब वापस आ जाओ इस तरह थोड़ा सा। अगर मैं तड़कों की बात करूँ, मतलब मक्खन में चाहिए, मक्खन से भरे लब लब आपको यहाँ मिलेगी दाल मखनी, मिक्स वेज मिलेगा एकदम फ्रेश और स्पाइसी, चटपटा मज़ेदार, हल्की सी मिठास में चाहिए जी, तो साथ में आपको मिलेगा जी शाही पनीर। हर तरह की आइटम है, सैलड में प्याज भी है, चटनी भी है, मतलब साथ में है जी नान रोटी, मतलब सब कुछ है, लूट मच गई है। तो भाई यहाँ पे एक बार जरूर आना, थोड़ा सा मैं आपको एड्रेस समझा देता हूँ। इस समय हम हैं फूड जंक्शन द्वारका मोड़, मेट्रो स्टेशन से जब जैसे ही आप उतरेंगे ग्रोवर स्ट्रीट आपको दिखेगा, उसी के साथ में गली जा रही है, सीधा सीधा चलते आना, बड़ा सा आपको बोर्ड दिखेगा फूड जंक्शन का, वहीं रुक के अंदर एंटर हो जाना और ये एम्बियंस आपको दिख जाएगा। इस एम्बियंस में जैसे ही एंटर हो गए आपको देखने में लगेगा कि भैया इस एम्बियंस में भाई लूट मचेगी, मतलब कि यहाँ पे भाई 400-500 रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, 99 रुपये में डील, इतने तगड़े एम्बियंस में आपको बैठ के मिलने वाली है। तो वेट मत करो, फटाफट से आ जाओ, पसंद है वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको है हमारे स्वाद पे यकीन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेली फूड शौकीन। तो मिलते हैं किसी नई जगह कुछ ऐसे ही अनलिमिटेड डील और चटपटे जायकों के साथ।